हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो आज की जो ये जो क्लास है, इसमें हम टॉप 20 मिक्स्ड क्वेश्चंस देखेंगे, लाइक हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब मिला के ओवरऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी जो भी कोर्सेज हैं उसमें अगर आप अप्लाई करने को सोच रहे हो 2024 में, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठने को सोच रहे हो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो ये क्लास आप फॉलोअप कर सकते हो जीके के लिए। इसी तरीके से आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी जीके की, उसमें लगी हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि 2023 लिखा है या 2022, क्योंकि जो कंटेंट है ना वो आपको मैटर करता है यार। अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा जनगणमन किसने गाया, जो आप आंसर आज बताओगे वही आप आंसर 2022-20 में भी बताते, और वही आप आंसर आज के 10 साल बाद भी वही बताओगे, ठीक है, कि जनगणमन किसने लिखा। ओके, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इंडिका वॉज रिटन बाय, यहाँ पे 5 सेकेंड में आपको दूंगा कि आप खुद से अपना नॉलेज एक चेक कर पाएं कि कितनी आपकी अभी प्रिपरेशन है, कितने पानी में हो आप, और यहाँ पे उस तरीके की प्रिपरेशन आपकी है या नहीं। अगर नहीं है तो स्टार्ट कर दीजिए। और इसी तरीके से आपको जीके की, मेंटल एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की, ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक सब्जेक्ट की जो है हमने प्लेलिस्ट अवेलेबल करा रखी है, उसको आप कर सकते हैं। तो इंडिका की हम बात करें, ये बुक का नाम है, किसने लिखा था, मेगास्थनीज के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, याद रखेंगे, मेगास्थनीज हैड रिटन इंडिका। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी विंडोज डज हवा महल हैव, जो हवा महल है उसमें खिड़कियाँ, कितनी खिड़कियाँ हैं उसमें, ये आपसे पूछा जा रहा है। 943, 953, 1000 या फिर 1010। तो कितनी खिड़कियाँ हैं, ध्यान रखेंगे, हवा महल में आपकी 953 खिड़कियाँ देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछा गया है, आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या इज बिसाइड विच रिवर, तो ये तो थोड़ा सा ऊपर नीचे एनिमेशन का हो गया है, कोई नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अयोध्या किस रिवर के किनारे बसा शहर है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में कितनी ज़्यादा चर्चा में है श्री राम जी का, जो वहाँ पर स्थापना की जा रही है, और सभी को यहाँ पर प्राउड मोमेंट है ना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पॉइंट है जो अभी हाल फिलहाल चर्चा में है, और यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अयोध्या की हम बात करें, सरयू नदी के किनारे है। थोड़ा सा जो यहाँ पे आपको एनिमेशन के थ्रू थोड़ा सा गलती हो गई है मेरे द्वारा, उसके लिए माफ़ी, लेकिन ध्यान रखेंगे अयोध्या इज बिसाइड विच रिवर, तो सरयू नदी के किनारे, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो कोई बात नहीं, आपको आंसर पहले दिख जा रहा है, ठीक है, बट क्वेश्चन को ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन का लेवल देखना है कि सब्सिडरी अलायंस इज रिलेटेड टू, तो लॉर्ड वेलेजली, ये लॉर्ड वेलेजली ही ये सब्सिडरी अलायंस की नीति को लाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल डी इज़ यूज्ड फॉर, तो कंट्रोल डी हम जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर कंट्रोल डी हम बात करें, उससे पहले आपको पूछूंगा कि कंट्रोल वी आप किसके लिए यूज़ करते हो, कंट्रोल पी आप किसके लिए यूज़ करते हो, कंट्रोल के आप किसके लिए यूज़ करते हो। देखिए, कंट्रोल वी तो हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल पी हम प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और क्या करते हैं, कंट्रोल जब पूछा जाता है कि पेस्ट का शॉर्टकट की क्या है, तो वो कंट्रोल पी मार देते हैं, पी फॉर पेस्ट और पी फॉर कंट्रोल पी, है ना, इस तरीके से सोच के। बट ध्यान रखना है, कंट्रोल जब हम वी करेंगे तब पेस्ट होगा, और कंट्रोल जब पी करेंगे तो प्रिंट होगा। कंट्रोल के से क्या होता है, हाइपरलिंक, ठीक है, हाइपरलिंक होता है। कंट्रोल डी से हम बात करें तो बुकमार्क आपको याद रखना है, एक ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे आपको शॉर्टकट की है जो कंफ्यूज कर सकता है, और इसीलिए पूछा जाता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिलीट भी मारेंगे ऑप्शन बी, जो कि रॉन्ग आंसर होगा, बुकमार्क यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कितने महाजनपद हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 9, 16, 17 या फिर 122,
महाजनपद की बात करी जा रही है, 16 महाजनपद आपको ध्यान रखना है, और 16 के 16 महाजनपद का जो भी कैपिटल है वो आपको रट लेना है, इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है। अगर आप हमारी जो क्लासेस करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, रिकॉर्डेड हमने जो बैच बना रखा है उसमें आप एनरोल कर सकते हो, 199 में आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको नीचे भी लिख दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप हमसे कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर चीज़ों को अवेल कर सकते हो, अभी से ही प्रिपरेशन कर सकते हो। ओल्डेस्ट वेदा की हम बात करें तो याद रखना है हमारे पास कितने वेदा हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद और यजुर्वेद, लेकिन ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ऋग्वेदा है, ठीक है। NCBC यहाँ पे कब फॉर्म हुआ, तो NCBC अगर आप देखोगे आंसर क्या है, 1993 में फॉर्म हुआ। NCBC है क्या, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, जो OBC होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनके लिए जो एक कमीशन बनाया गया था जिसको हमने बोला NCBC, 1993 में बनाया गया था, ध्यान रखना है। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है, तो ध्यान रखना है, जब भी नीति आयोग आपसे पूछा जाए कि चेयरपर्सन, तो नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा जो PM होते हैं वो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो कौन है अभी, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है, इब्ने बतूता, अमीर खुसरो, मेगस्थनीस या चंद्रगुप्त, ध्यान रखना है, जो यहाँ पे अमीर खुसरो हैं इनको पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट उसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, 395 हमारे टोटल आर्टिकल्स हैं, अब 395 तो आप पूरा रट नहीं पाओगे, तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से एक आपको आर्टिकल 17 है। जब आप हमारी क्लासेस फॉलो अप करोगे तो आर्टिकल 17 में मैंने बार बार क्वेश्चंस करवाए हैं, और इस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं ना कि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाता है और आप वहाँ पर आंसर तक पहुँच जाते हो। आर्टिकल 17 की अगर मैं बात करूँ, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मैं बोल रहा हूँ, अस्पर्शता, जो छुआछूत होता है ना, उसको यहाँ पे एबॉलिश करना, मिटाना, हटाना, आर्टिकल 17 में बात कही जाती है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स भी इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 18 के थ्रू ये पूछा जाता है, ठीक है, बोला जाता है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आर्टिकल 16 से आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस, तो अभी शायद मैंने आपको आगे क्वेश्चन डाल रखा है तो वो हम आगे करेंगे। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे पास, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे पास, टोटल कितने आर्टिकल्स हैं हमारे पास, जो हमारा लैंग्वेजेस है, कितनी लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है शेड्यूल में, ठीक है, 22, 24, 25, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, धीरे धीरे हम सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे, डोंट वरी। और अगर आप ये हमारा जो मैं आपको क्लासेस करवा रहा हूँ इसको आप फॉलोअप करते हो तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई सेशंस और इंपॉर्टेंट जो मैंने कुछ चीज़ें वीडियो बनाई हैं कि क्या क्या आपका पैटर्न होने वाला है एग्ज़ाम्स का, तो मैंने आपको वहाँ बताया कि आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ के अगर तैयारी करोगे, चाहे वो आपका 24/7 CA जोन हो या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म, जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़िए, बट एक जगह से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कितने शेड्यूल्स हैं, ध्यान रखेंगे आप, टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल हैं, हर एक शेड्यूल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है ये किस शेड्यूल में आपको बात कही गई है, यूनियन एंड स्टेट्स की बात किस में कही गई है, किस शेड्यूल में कही गई है, म्यूनिसिपैलिटी की बात किस में कही गई है, पंचायती राज की बात किस में कही गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात किस में कही गई है, किस आर्टिकल में कही गई है, किस शेड्यूल में कही गई है, ये सब हम धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ध्यान रखिएगा कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। समर सॉलिस्टिस, इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो डेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट आपको देखने को मिल रही है ऑप्शन ए, दैट इज़ 21 जून, 21 जून को ही हम समर सॉलिस्टिस डे मनाते हैं, 21 जून को ही हम म्यूज़िक डे भी मनाते हैं, और 21 जून को ही हम योगा डे भी मनाते हैं, तो तीन इम्पॉर्टेंट डे आपको एक ही डेट में याद करवा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको ये बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इम्पीचमेंट मैंने अभी बात बोली आपसे कि पूछा जाता है, तो जो इम्पीचमेंट है
प्रेसिडेंट का किस आर्टिकल से आपको देखने को मिलता है, तो दैट इज़ योर आर्टिकल 61, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, यहाँ पे रीनेम की शॉर्टकट की आपसे पूछ रहा है। अगर आपको रीनेम करना है किसी भी, जैसे फाइल है या फोल्डर है उसको जो नेम है उसका वो बदलना है, रीनेम करना है, तो आप कौन सी फंक्शन की को यूज़ करके उसको रीनेम कर सकते हो जस्ट फ्रॉम द सिंगल क्लिक। तो शॉर्टकट की आपका क्या है, ऑप्शन डी, दैट इज़ F2 आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पर्सन इसमें से कौन है ये आपको बताना है, इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। राकेश झुनझुनवाला, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी इनकी डेथ हुई थी तो इसलिए ये पर्सन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और बहुत कुछ इन्होंने करके दिखाया है फाइनेंशियली और स्टॉक मार्केट में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। स्लाइड शो, जैसे MS पावर पॉइंट में आपको जब स्लाइड शो स्टार्ट करना होता है ना, तब आप कौन सा फंक्शन की यूज़ करते हो, आंसर आपके सामने है, F5। अब यहाँ पे F1 से लेकर F10 तक जितनी भी फंक्शन कीज़ हैं, ठीक है, F11, F10, F9, F7, इन सभी फंक्शन की का अपना अपना फंक्शन होता है और वो फंक्शन आपको पता होना चाहिए। कोई भी फंक्शन की पूछी जा सकती है। मैच द फॉलोइंग में भी 4-5 फंक्शन की देखे, उनकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, कंट्रोल ई किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, आपसे पूछेगा लेफ़्ट अलाइन, तो आप यहाँ पे कहोगे कंट्रोल प्लस एल। आपसे पूछेगा राइट अलाइन, तो आप कहोगे कंट्रोल प्लस आर। लेकिन अगर आपसे पूछेगा सेंटर अलाइन, तो आप कंट्रोल सी लगाओगे, है ना, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि कंट्रोल सी से क्या होता है बॉस, याद करो आप, कंट्रोल सी से होता है कॉपी। दैट मीन्स जो सेंटर का है वो कुछ और होता होगा, तो सेंटर का जो होता है वो होता है ई, दैट इज़ योर कंट्रोल ई से हम क्या करते हैं, सेंटर अलाइन करते हैं। ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बार बार आपको ये चीज़ शॉर्टकट की पूछी जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, जस्ट बिकॉज क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। कंट्रोल ई से हम इरेज भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मार देंगे अगर मैं आपको यहाँ पे आंसर नहीं देता और पूछता। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम ऑफ यू विल गो विद ऑप्शन ए, दैट विल बिकम रॉन्ग। ओके, ध्यान रखना है, कंट्रोल ई से क्या है, सेंटर अलाइन है। फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, जो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के फादर भी पूछे जाते हैं, हिस्ट्री का हम देख रहे हैं हेरोडोटस, यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। फिजिकल लेयर इज़ प्रेजेंट इन विच मॉडल, देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ दो इंपॉर्टेंट मॉडल की अगर हम बात करें तो TCP/IP एक मॉडल होता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर OSI, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये हमारे पास मॉडल होते हैं। इसमें कुछ अलग अलग लेयर्स होती हैं दोनों में ही, इसमें कुछ किसी में 7 होती हैं, किसी में 5 होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक लेयर है जो इसका नाम है फिजिकल लेयर। ये किस मॉडल में प्रेजेंट रहती है, तो या तो ये OSI में प्रेजेंट रहती है या तो ये TCP/IP में, ठीक है, तो किस मॉडल में प्रेजेंट रहती है ये पूछा गया है, दोनों में प्रेजेंट रहती है या किसी में प्रेजेंट नहीं रहती है, ध्यान रखना है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये जो मॉडल है इसमें आपको ये लेयर देखने को मिलती है, फिजिकल लेयर, ठीक है। सो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आज का जो क्लास है इसको एंड करते हैं। मैंने आपको बताया इसी तरीके की आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, हर एक वीडियो आप अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। पेपर में आप बैठोगे तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीख जाओगे कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ये ही आंसर होगा। इस तरीके का जो है आपका नॉलेज हो जाएगा अगर आप यहाँ पर लगातार तैयारी करते हो। तो यही बोलूँगा अगेन कि एक ही प्लेटफॉर्म को पकड़ के चलें। बाकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हम इजी से इजी क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हर एक लेवल कवर अप करने वाले हैं इस बार, और बेहतरीन तरीके से तैयारी आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड बैच है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 199 में आपको फुल प्रिपरेशन हर एक सब्जेक्ट की देखने को मिलेगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो फिलहाल के लिए हम बस एंड करते हैं, और फैमिली बने तो फैमिली को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल बटन दबा सकते हो, रिवीजन करते रहिए समय समय पर, नोट्स
मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कि नोट्स बनाएंगे तो जीके के नोट्स आप मत बनाइए, क्योंकि जीके की जब आप वीडियोस देख लोगे बार बार तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये जो रीजनिंग और मैथ्स का अगर आप नोट्स बनाओगे छोटा छोटा, मतलब इसमें जो आपको ट्रिक्स हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या पैटर्न है, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। अगर आप चाहो तो यहाँ जो जीके है उसकी भी अपने आप से नोट्स बना सकते हो। अगर आपको जैसे भी सॉरी देखो यार, मैं क्या है ना, जो मेरे को लगता है वो मैं बताता हूँ, बट इट्स नॉट मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है कि सबको सूट कर जाए। मेरा काम है सजेशन देना, आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस तरीके से उसको ग्रैब कर पाते हो, अपने अंदर इनहेल कर पाते हो, ये अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप चीज़ों को देखें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नोट्स बना के ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँगी तो दोनों आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने हमारी, अगर हम बात करें 300-400 जितनी भी वीडियोज़ हैं, हर एक वीडियो का नोट्स बनाया है, ठीक है। पिछले जो हमारे बैच के थे उसमें उन्होंने भेजा कि सर देखिए मैंने ये नोट्स बनाए, ठीक है। और उनका एडमिशन भी हुआ MBA में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, नेशनल PG कॉलेज में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, BHU में, और भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे एडमिशन देखने को मिला है। तो चलिए एंड करते हैं फ़िलहाल के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।